तनाव यानी स्ट्रेस। तनाव एक ऐसी मनोदशा है जो व्यक्ति को सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन को बेकार कर देती है। बेकार मतलब उसके जीवन को अनफ्रूटफुल कर देती है। और आज के मशीनी युग में जब आदमी आदमी को नहीं जानता, जब हर चीज़ मशीनी हो गई है, हर चीज़ प्रोफेशनल हो गई है, और दिल टूटते पे टूटते जा रहे हैं लोगों के, जो मतलब भावुक लोग हैं उनके लिए समाज में जीना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उनका दिल टूटता है, वो तनाव में आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे आपकी इसी मुश्किल को आसान करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस यानी तनाव की। स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है जो हम भी जीवन में रोज झेलते हैं, आप भी जीवन में शायद रोज महसूस करते होंगे। यह जो तनाव होता है, यह आदमी को आदमी के अच्छे वाले जीवन को और सब कुछ होते हुए भी उसको परेशानी में ला देता है, और अल्टीमेटली व्यक्ति बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। चाहे नींद ना आने के कारण जाना पड़ता हो, चाहे ब्लड प्रेशर कारण जाना चाहिए पड़ता हो, चाहे डायबिटीज़ कारण जाना पड़ता हो, चाहे अन्य लाइफ स्टाइल डिजीज़ कारण जाना पड़ता हो, मतलब आपके बॉडी के पूरे अंदर के इकोसिस्टम को ख़राब कर देता है। तो इस व्यस्तता के दौर में जब हम लोगों को रोजी रोटी के लिए रोज़ निकलना ही निकलना है, परिवार का पेट पालना है, पेट भरना है, खर्चों को पूरा करना है, तो बाहर जाना है। आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, सरकारी नौकरी कहीं रखी नहीं है, और जो सरकारी नौकरी वाले भी परेशान हैं काम करके। बैंकों में आप जाओ, ख़ास तौर से मैं जिक्र करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तमाम बैंकों का, यहाँ लोगों को काम करने में समस्या है। 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह पा के भी, मैं सबको नहीं कह रहा लेकिन अधिकांशता मैं कह रहा हूँ कि काम करने में भी समस्या है, तो वो भी तनाव में है। तो आप सबके लिए भी यह वीडियो है, आप इसको एक बार देखें, कुछ दवाएं होम्योपैथी में जो आपके तनाव को कम करेंगी। लेकिन साथियों, एक बात समझ लें, तनाव में आपके लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, रहन सहन का बहुत बड़ा रोल है। तो और रहन सहन में मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, दो बातें बल्कि। पहला, जिससे आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं मोबाइल, उसका इस्तेमाल कम करें, और दूसरा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर आप अपनी दिनचर्या को सही कर लेंगे, योगा करेंगे, खान पान को ठीक करेंगे, स्प्राउट्स का सेवन करेंगे, लाइफ फूड्स का सेवन करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, योग करेंगे, इस तरह की आप चीज़ों को करेंगे तो आप ठीक होंगे। और रही बात तनाव की साथियों, तनाव हम लोग का लोगों की बातें सुन के भी होता है, जो मुझे सबसे गलत लगता है। कोई आप किसी की बात सुन के कोई तनाव ना लें। यहाँ जो खुद बीमार है वो दूसरे को बीमारी की सलाह इलाज की सलाह देता है। मेरे क्लिनिक पे तमाम मरीज़ कभी कभी बैठे रहते हैं, वो खुद बहुत बीमार है लेकिन और जो मरीज़ बैठा है उससे पूछ के उसको तमाम राय दे डालते हैं। तो ये होता है। तो अब आप साहब मरीज़ राय सुन ले तो फिर तनाव में आ जाए, ये गलत है। बहरहाल साथियों, हम आपको कुछ बताते हैं ऐसी दवाएँ जो आपके जीवन को आसान करने में, आपके तनाव को ख़त्म करने में और आपको खुश रखने में मदद करेंगी। साथियों, नंबर एक कारण और निवारण जो होम्योपैथी में है, वह इस सिम्टम पे है कि मरीज सोचता रहता है इसलिए तनाव में रहता है, और मरीज को नींद नहीं आती इसलिए वह तनाव में रहता है। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण जो मरीज को परेशानी होती है, उसके बाद चाहे उसके सिर दर्द में हो, चाहे उसको नींद ना आए, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, जिससे हम सब उससे वाकिफ़ हैं, हम लोग जानते हैं, वह है कालीफॉस। अगर आपको ओवर थिंकिंग है, हर समय आपका दिमाग चला करता है, वो स्थिर नहीं रहता है, तो उस स्थिति को आपको लाभ देना है तो आप कालीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफॉस 6X की 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इससे आपको ओवर थिंकिंग भी ख़त्म होगी, और जो आपको रात में नींद नहीं आती और आपके तनाव बढ़ता है, वह भी ठीक होगा। एक स्थिति साथियों आती है स्ट्रेस में, जिसमें आपको महसूस होता है अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल डिप्रेशन में रहते हैं, अब हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, जीवन है ऐसे ही बीतेगा, ये एक पानी की तरह बह रहा है वैसे ही बहता जाएगा, और आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो अगर ये स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को दिमागी आपकी बदलने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम मिटैलिकम।
आप ओरम में 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपका जीवन बदल देगी। आपको जो महसूस होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होना है, उस स्थिति से निकाल के आपको इस स्थिति में लाएगी कि ये दुनिया हमारी है, संसार हमारा है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आप ये दवा लेके देखिए, एक महीना तक दो दो बूंद 30 पावर में और अमेट 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर देखिए, एक महीने में आपकी मानसिकता, आपकी सोच और आपके दिमाग में बदलाव आएगा। एक स्थिति साथियों आ सकती है हम सबके सामने कि हमेशा दुख बना रहता है। कुछ लोग देखिए उनके पास मर्सिडीज गाड़ी होगी, विला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वह दुखी रहेंगे। तो ये जो ग्रीफ की एक आदत पड़ जाती है, दुख की एक लगातार बने रहने की आदत पड़ जाती है साथियों, इससे बाहर निकल के भी हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। और इससे बाहर निकालने की एक कारगर होम्योपैथिक दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको कि हर समय उसे महसूस होता है वो दुखी है, दुख का चादर ओढ़ रखा है और उसके सिम्टम्स चेंजेबल है कि कभी उसका कुछ होता है, कभी उसका कुछ होता है और कॉन्ट्राडिक्ट्री है। कहीं ठंडक में ठंडे से हमें आराम मिलता है, गर्म खाना चाहे खा ले मुंह जल जाए लेकिन गर्म खाना मुझे अच्छा लगता है, प्यास लग रही है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता। तो इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्ट्री सिम्टम्स होते हैं साथियों, और मरीज हमेशा दुखी बना रहता है और सब कुछ होते हुए भी दुखी बना रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इस दुनिया में हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है भाई। ये सांस है, बाहर गई और वापस अंदर नहीं आई तो आदमी गया। तो इतनी नाजुक चीज़ हम लोगों के पास है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी मदर हैं, हमारे फादर हैं, हमारा दो रोटी भगवान खाने को दे रहा है, ना सही ताज होटल वाली रोटी, ताज होटल वाली रोटी की ज़रूरत से आदमी को ज़िंदा नहीं रखती। आप देखिए कि बड़े बड़े नेता, अभी अगर मैं बात करूं तो आदरणीय श्री अरुण जेटली जी की कानून मंत्री थे, सुषमा स्वराज जी की, यहाँ सब लोग तो बहुत अच्छा खान पान करते हैं, 7 स्टार होटल का खान पान करते हैं, लेकिन फिर भी इनको रीनल फेलियर और तमाम दिक्कतें हुई। ऐसे तो ये किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन इतने अच्छे खान पान वालों को भी हो रही हैं। तो 5 स्टार होटल का कोई महत्व नहीं है। तो जिसको गरीब बना रहता है सब कुछ होने के बावजूद या ना होने के बावजूद, तो उसके लिए बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में इग्निशिया। इग्निशिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं, यह दवा आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है चिड़चिड़ापन और गुस्सा। आप इतना गुस्सा करते हैं फिर खुद तनाव में रहते हैं। मरीज हम लोग के क्लिनिक आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत आता है इसलिए हम तनाव में आ जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर है, गुस्सा है और आप तनाव में आ रहे हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले लें, आपका गुस्सा भी शांत होगा, आपका पेट भी सही होगा और रोशनी और लाइट से जो आपके तनाव आता है, रोशनी या शोर से, आवाज़ से आपके तनाव आता है, वह भी ख़त्म होगा और आप स्वस्थ होंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि स्ट्रेस उसको बना रहता है जो काम नहीं करना चाहता, खाली बैठना चाहता है तब भी तनाव में रहता है। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज खाली बैठा हुआ है लेकिन वह तनाव में है, तो उस स्थिति में भी तनाव को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है नैट्रम यूरेटिकम। नैट्रम यूरवानियम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको बिला वजह का तनाव बना रहता, काम नहीं करना चाहता, उसको हेयर फॉल की शिकायत हो रही है और खाने में नमकीन ज़्यादा पसंद है। ऐसे व्यक्ति के लिए नैट्रम यूर बहुत अच्छी दवा है। तनाव दूर करने के लिए आप नैट्रम यूर दवा ले सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, बिल्कुल नींद नहीं आ रही और तनाव है। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी मरीज को बिल्कुल नींद ना आ रही और वो तनाव स्ट्रेस में हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वह मरीज ले सकता है जिसको बहुत तनाव महसूस हो रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो, उसको नींद ना आ रही हो, उसको एंजाइटी हो, तो यह दवा उसको आराम दे के स्वास्थ्य लाभ देगी। फिर साथियों एक सिम्टम आता है बेचैनी। मरीज को बेचैनी है और वह स्ट्रेस में है। तो अगर यह स्थिति है कि किसी मरीज को बेचैनी है और वह स्ट्रेस में है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वह मरीज ले सकता है जिसको बहुत बेचैनी बनी हुई है, रात भर कमरे में इधर से उधर करता रहता है, पैदल चलता रहता है, बाहर जाता रहता है, अंदर आता रहता है और 10-12 से 2 रात में उसकी तकलीफें बढ़ती हैं और उसको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती है। अगर यह स्थिति हो तो ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम हो सकती है।
एक स्थिति आती है साथियों, डर। आप तनाव में रहते हैं और आपको डर बहुत लगता, आप रेस्टलेस रहते हैं और आपको जरा भी कोई बात होती तो एक दिल में धड़कन महसूस होने लगती है। तो अगर यह स्थिति हो कि आप स्ट्रेस में रहते हैं और तनाव में रहते हैं और जरा सा भी बात से आपके धड़कन महसूस होने लगती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एकोनिटम ने प्लस, एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके दिल की धड़कन को भी नॉर्मल करेगी और आपके डर को भी ख़त्म करेगी और आपके तनाव को भी ख़त्म करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी इस दर्द भरे संसार में और इस मशीनी दुनिया में और इस दुनिया में जहां पर कोई किसी का नहीं होता, उस दुनिया में आपको तनाव से दूर रखने की मेरा एक प्रयास था। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन निवेदन है साथियों, किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही आप कोई भी दवा लीजिएगा। मन में क्वेरी हो कोई तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे फ़ोन नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाए। निवेदन साथियों यही है कि अगर आपको इस समाज के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को आपने तो सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनाव यानी स्ट्रेस।